हेलो क्लास सेवन स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर 15, जो एक कविता है और इसका शीर्षक है अच्छे काम करो। तो बच्चों, इसमें इस कविता में आपकी जो दिन की दिन हमारे पूरे दिन की दिनचर्या होती है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हमें अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। अतः सही समय पर सही कार्य करने चाहिए। तो हमें अपने जितने भी कार्य हैं अपने समय पर ही करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ पढ़ेंगे आप। सदा सवेरे उठा करो, ध्यान लगाकर पढ़ा करो, दांत साफ नित किया करो, नख मत बढ़ने दिया करो। तो इसमें बच्चों बताया गया है कि सदा यानी कि हमेशा, सवेरे मतलब सुबह, उठा करो यानी कि हमें सदा सुबह जल्दी उठना चाहिए और फिर ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है और फिर अपना ध्यान लगाकर पढ़ना है, क्योंकि जब हम सुबह उठकर पढ़ते हैं तो हमें वो सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद भी रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम एकदम शांत वातावरण होता है और हमारा पढ़ने में मन भी लगता है और माइंड भी हमारा उस टाइम बिल्कुल फ्रेश रहता है। दांत साफ नित किया करो, और हमें अपने दांत साफ करने चाहिए डेली, और दिन में दो बार हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए। नख मत बढ़ने दिया करो, हमें अपने नख मतलब नाखूनों को नहीं बढ़ने देना चाहिए। प्रतिदिन ही तुम स्नान करो, हमें प्रतिदिन यानी कि रोजाना डेली स्नान यानी कि नहाना चाहिए। फिर ईश्वर का ध्यान करो, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का ध्यान करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। गुरुजन का सम्मान करो, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करने चाहिए। कभी न तुम अभिमान करो, हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए कि मुझे तो सब आता है, मैं सब कर लूँगा, मैं बहुत होशियार हूँ। तो इस तरह से हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। सबसे मिलजुल कर रहो, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई इस जाति का है, कोई दूसरी जाति का है, तो हमें जो भी है सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कड़वी बातें मत कहो, तो बच्चों हमें कभी किसी से कड़वी बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए, जिससे किसी को कोई मन को ठेस पहुँचे। तो हमें कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे कहने से कोई दुखी हो, हमेशा